कलाम को
पहली आए करीमा, तवज्जो चाहता, पहली आए करीमा अगर आप तफसील उठा करके देखें तो आपको मालूम भी होगा कि कुरान मजीद की इब्तिदा ही मौला एक कायनात हजरत अली बिन अबी तालिब जनाबे अबू तालिब की जात ने तिलावत की है। पूरी तवज्जो चाहता हूं, जनाबे अबू तालिब की जात ने तिलावत की है सूरह हम्द की। कल जब पैगंबर इस्लाम का निकाह पड़ा है तो उस वक्त पैगंबर इस्लाम के खुतबे निकाह में हजरत ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी तारीफ अल्लाह के लिए। अल्लामा मुबीन फरहंगी लिखते हैं कि सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ा है बल्कि पूरा कुरान जनाबे, पूरा ये सूरा जनाबे अबू तालिब ने तिलावत किया, पूरा सूरा जो है वो तिलावत किया है जनाबे अबू तालिब ने। अब इसी से जनाबे अबू तालिब की अजमत का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जिसके जहन मुबारक से निकला हुआ जुमला कुरान मजीद का जुज बन जाए तो उसकी अजमत कितनी बुलंद। तो बाप और बेटे का तवज्जो चाहता हूं, एक मकसद की तरफ आपको ले चलना चाहता हूं कि बाप और बेटे ने इस्लाम पर बड़ा एहसान किया। अगर ये एहसान जनाबे अबू तालिब या मौला कायनात ना होता तो आज ये इस्लाम हम तक ना पहुंचता। ये बाप और बेटे का एहसान है इस्लाम के ऊपर कि ये इस्लाम जो हम तक पहुंचा हुआ है। तो अजी जाने मोहतरम, दुनिया ना किसी की तारीफ करे, तवज्जो चाहता हूं, दुनिया ना किसी की तारीफ करे, हम उस तारीफ पे मरबूब होने वाले नहीं हैं, हम उस तारीफ पे मरबूब होने वाले नहीं हैं। किसी पहलवान का तस्करा हो, किसी अदालत का तस्करा हो, किसी इल्म वाले का तस्करा हो, किसी ताहिर का तस्करा हो, जिसका भी तस्करा हो, हम किसी से मुतमईन होने वाले नहीं हैं। अगर हम किसी जात से मुतमईन होते हैं तो वो आले मोहम्मद की जात से। मुतमईन होने वाले नहीं है। अब एक मिसाल गैर मासूम की मिसाल दे रहा हूं, पूरी तवज्जो चाहता हूं। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मदी, माता शहीदा जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद मरता है, वो शहीद मरता है। गोया ये कुदरत ने बता दिया कि आले मोहम्मद की मोहब्बत तुम्हें हयात जावेदानी अता करती है, हयात जावेदानी अता करती है आले मोहम्मद की मोहब्बत। इसलिए जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए उसे मौत नहीं है बल्कि शहादत का दर्जा आता है। और शहीद के लिए क्या इरशाद फरमाया, ला यरतकन्नहुम अल्लाह रिस्कन हसना, हम उसे क्या है रिस्क हसन देते हैं। बस अजीजाने मोहतरम, पूरी तवज्जो चाहता हूं, सरजमीन करबला पर ऐसा वाकया रूनमा हुआ कि तारीख इंसानियत में ऐसा वाकया आपको भी नहीं, कहीं पर भी नहीं मिल सकता है ऐसा वाक्य। आपकी निगाहों के सामने है, पूरी तवज्जो चाहता हूं कि आपने देखा होगा करबला के मैदान में दो गिरोह थे, एक शैतान का नुमाइंदा था और एक रहमान का नुमाइंदा। शैतान के नुमाइंदे को यजीद कहते हैं और रहमान के नुमाइंदे को हुसैन इब्ने अली कहते हैं। शैतान का नुमाइंदा जो उसके पास था, उसके पास असलहा था, उसके बाद पानी थे, उसके बाद तीर वो तलवार वो कमान फौज सवारी सब कुछ मौजूद था, लेकिन इधर प्यास भूख निहत्थे कमजोर बच्चे बूढ़े इंसान जवान यही सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ थे। बाकी उधर क्या थे, सब जो है वो सैर शुदा सलवार पढ़े तो मोहम्मद वाले वाला। आप अल्लाह हमारी सर मुझे बच्चे रहे इसलिए।
उत्तर सलवार पर मत वाह वाह तो होता क्या है
कुछ जानवर डर के मारे, खौफ के मारे अपने आप को दरिया के हवाले कर देते हैं, या कुछ जानवर फौरन समझ जाते हैं जो राहे फरार अख्तियार करते हैं। इसलिए कि भागो, शेर आ रहा है, शेर नर आ रहा है, शेर बबर आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हम हलाक हो जाएं, हमारा वजूद खत्म हो जाए। तो फिर होता क्या है कि शेर कहते ही चला हमले करने के लिए, लाखों की तादाद में ये जानवर दरिया पर कब्जा किए रहते हैं, लेकिन ये दरिया छोड़ करके भाग जाते हैं। क्यों? इसलिए कि शेर आ रहा है। अब समझ में आया, करबला के मैदान में ये इंसानों का लश्कर नहीं था, ये तो है आपको नहीं मिल सकता।
दुनिया के रहबर तो मिल जाएंगे दुनिया तक आपकी मदद करने के लिए, लेकिन आखिरत में कब्र में ये कोई नहीं मिलेगा सिवाय अली इब्न अबी तालिब। हारिसे हमदानी मरीज हैं, अली अयादत के लिए पहुंचे, देखा हारिसे हमदानी रो रहे हैं, पूछा हारिसे हमदानी क्यों रो रहे हो, कहा मौला हालत इस्तेदार में क्या होगा, कहा मैं रहूंगा, कहा सिरात पर क्या होगा, कहा मैं रहूंगा, मीजान पर क्या होगा, कहा मैं रहूंगा, कब्र में क्या होगा, मैं रहूंगा, हश्र में क्या होगा, मैं रहूंगा, कहा मलकुल मौत में भी इतनी जुरात नहीं है जब तक के मरने वाला अली के चेहरे की ज़ियारत न कर ले उस वक्त मलकुल मौत उसकी रूह को नहीं कर सकता। तो आपने देखा अली की मोहब्बत क्या है, अगर अली की मोहब्बत है तो जब तक के वाली के चेहरे की ज़ियारत नहीं कर ले उस वक्त तक मलकुल मौत उसकी रूह नहीं कर सकता। इसलिए जाने वाला जो दुनिया से गया या अली मोहम्मद का चाहने वाला, या अली मोहम्मद का मानने वाला, या अली मोहम्मद की मोहब्बत में सरशार था ये दुनिया से जाने वाला। और अभी आपने सुना कि उसकी सलवात की वजह से महफिल में नूर को नूर हो जाया, इसलिए उनको इशार करने के लिए एक मतवा बुलंद आवाज से सलवात पढ़ते बढ़ा। कुरान मजीद में बहुत से लोगों का तस्करा किया गया है, बहुत से छोटे अफराध हैं, बहुत से बड़े अफराध हैं। ये छोटे अफराध जो हैं इनके पास पैसा कम, और ये बड़े अफराध क्यों हैं इसलिए कि इनके पास पैसा ज्यादा है, इसलिए ये बड़े अफराध हैं। लेकिन कुरान मजीद और अहादीस आइम्मा क्या कहती है, तवज्जो चाहता हूं। हजरत ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह की बारगाह में आकर के सर्वसुजूद हो जाए वो मेरी निगाह में सबसे बड़ा इंसान है। सबसे बड़ा इंसान वो है जो अल्लाह की बारगाह में आकर के सर्वसुजूद हो जाए। आले मोहम्मद पर दुरूद भेजे, आले मोहम्मद पर सलवात भेजे। ये जाने वाला जो गया है ये गरीब नहीं गया है बल्कि एक आमाल का फकीरा लेकर के गया है, सलवात ही है जो उसे बख्शिश का सहारा बनेगा। सलवात करेगा इस्लाम मेरा से आ रहे थे, देखा फरिश्ता है जो बैठा हिसाब कर रहा है। आपने पूछा क्या लिख रहे हो, कहा कि मैं रोज का हिसाब कर रहा हूँ कि दाल कितने की बिकी, चावल कितने की बिकी, ये हिसाब कर रहा हूँ। कहा क्या हिसाब कर रहे, कितने गए कितने आए कितने जाने वाले हैं, इन सब का हिसाब कर। कहा कोई ऐसी भी चीज़ है कि जिसका हिसाब ना हो सकता हो, कहा या रसूलुल्लाह वो है। आपने फरमाया क्या है, आपने फरमाया क्या है, फरिश्ता कहता है कि मैं हर चीज़ का हिसाब करता हूँ, यहाँ तक कि बारिश के टकरों का हिसाब करता हूँ, लेकिन जब लोग आले मोहम्मद पर दुरूद कहते हैं तो उसका हिसाब मैं नहीं करता। भिजवाता था तो जितने मोमिन सब पढ़ते थे उसे सवाब मिलेगा, जितने भी पढ़ते थे और वो पढ़वाता था, और अगर खुद पढ़ता था उसे तो सवाब मिलेगा। इसलिए अभी जाने मोहतरम दुनिया में रह करके आले मोहम्मद ने जो हमें तालीम दी है, अगर उसी तालीम पर ये दुनिया अमल करती चली जाए तो आज तो ना कोई गरीब होगा ना फकीर होगा, सब जो है अल्लाह की इबादत जो है सब सुजूद होते रहे। तो इसलिए आले मोहम्मद की मोहब्बत अपने दिलों में अपने बच्चों में मुंतकिल करते रहें, ताकि ये सरमाया नस्ल बाद नस्ल के क़यामत तक मुंतकिल होता रहे, और जब हजरत का ज़ुहूर हो तो हम सब नासिर मदद करार पाए। सलवात पढ़ते रहो। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो शहीद है। ये जाने वाला आले मोहम्मद की मोहब्बत में गया, इसलिए इसका तज़किरा खत्म नहीं होगा, इसका तज़किरा हमेशा फरिश्ते करेंगे, इन्नात करेंगे, इम्तहान करेंगे, और कुछ
ऐसी शराब थी करबला के मैदान में कि जिन्होंने अपने आप को इमाम पर कुर्बान कर दिया। बस अजीजान मोहतरम दो जुमले मसायद के सुनिए। इमाम हुसैन की जात पर कुछ बच्चों ने, कुछ जवानों ने, कुछ ज़ईफों ने इमाम हुसैन पर अपने आप को कुर्बान कर दिया। बस वो कौन जात है कि जिसके ऊपर लोग कुर्बान हुए? वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात। लेकिन सरजमीन करबला पर हुसैन कितना गरीब था, कितना मजलूम था, इसे आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। सिर्फ इसी एक बात से आप अंदाजा लगाइए तो खुद आंसू आ जाएंगे कि हुसैन सरजमीन करबला पर कितना गरीब था, कितना मजलूम था। बस अदीदान मुहतरम जब दूसरी मुहर्रम को सरजमीन करबला पर वारी हुए के मर्दों को बुलाया, हुसैन की मोहब्बत को देखिए, बनी असद के मर्दों को बुलाया और कहा देखो मेरे कत्ल के बाद मेरा जनाजा यही पड़ा रहेगा, जलती हुई धूप में तुम आना और मेरे जनाजे को। आप कहेंगे कि ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब उससे ज्यादा गुरबत सुनिए। कहा तुम जाओ और अपनी औरतों को भेज दो। बनी असद की औरतें आई। इमाम ने फरमाया कि देखो अगर तुम्हारे मर्द ना आए तो अपने मर्दों को गैरत दिलाना, और हमारे जनाजे को दफन कर दे। इससे भी ज्यादा मजलूमियत इमाम हुसैन क्या मिलेगी आपको? कहा तुम भी जाओ। बस एक मरतबा इमाम हुसैन ने बच्चों को बुलाया बनी असद के और एक जुमला फरमाते हैं, ए बनी असद के बच्चों देखो मेरे कत्ल के बाद मेरा जनाजा चलती हुई जमीन पर पड़ा रहेगा, कोई दफन करने वाला ना होगा, तो तुम खेलते हुए आना और खेलते हुए सिर्फ ऐसे ना आना बल्कि अपने हाथों में एक मुश्त जो है वो खाक लेकर के आना और मेरे जनाजे पर डाल देना। बस अजीजान मोहतरम ये है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत। इमाम चाहते थे मेरा जनाजा दफन हो जाए, लेकिन अजीजान मोहतरम इमाम हुसैन का जनाजा सरजमीन करबला पर दफन न हुआ, कई दिन तक ये जनाजा पड़ा रहा। बस अजीजान मोहतरम अब यहाँ से मसायब का आगाज करता हूँ। बस दो जुमले मसायब के सुनिए कि यतीम किसे कहते हैं। इसलिए कि अभी आपने अशार में सुना, माँ भी दुनिया से चली गई, बाप भी दुनिया से चला गया, अब बच्चे लावारिस हो गए, उनका कोई सरपरस्त नहीं, उनका कोई वारिस नहीं, उन्हें कोई संभालने वाला नहीं। अगर बच्चे बड़े हैं तो अब वो दूसरों के लिए सहारा बनेंगे। इसलिए एक वारिस होता है तो वो बच्चे लावारिस नहीं होते हैं। इस वक्त बाप दुनिया से चला गया है, बच्चे लावारिस हो गए हैं। बस अदीदान मोहतरम सुनिए, यतीम किसे कहते हैं? बस यतीम किसे कहते हैं? जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी रुखसत के लिए खैमे में आए और आवाज दी, या ज़नबुम में कुलसुम रुकैया, तुम सब पर हुसैन का आखिरी सलाम हो, और ये कह के हुसैन खैमे से बाहर निकले। जैसे ही बाहर निकले एक बच्ची ने दामन थाम लिया, ए बाबा आप जाते हैं तो जाइए, लेकिन मुझे किसके हक जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय कमे सैयदुल शुहदा में। बस तसव्वुर करते जाके खुद ब खुद आंसू निकल आएंगे। बस एक मरतबा हुसैन ने एक जुमला कहा, हे बच्ची अरे यतीमों की तरह रहना, अरे तुम्हारा बाबा भी वापस आए। अरे 3 साल बच्ची क्या जाने की यतीम किसे कहते हैं? बस एक मरतबा तो बच्चों चाहता हूँ ये बच्ची के बयान है। बस अदीदान मोहतरम ये बच्ची दौड़ करके एक मरतबा जनाबे ज़ैनब की आगोश में बैठ जाती है, ए खुबी अम्मा यतीम किसे कहते हैं? अरे कोई जवाब ना मिला। एक मरतबा उम्मे कुलसूम की आगोश में गई, ए खुबी अम्मा यतीम किसे कहते हैं? अरे कोई जवाब ना मिला। एक मरतबा यही बच्ची अरे माँ की आगोश में जा करके बैठ जाती है, ए अम्मा अरे यतीम किसे कहते हैं? कोई जवाब ना मिला। एक मरतबा उन्होंने बच्ची को देखा, ए सकीना ऐसे नहीं कहते, इसलिए तुम्हारा बाबा जिंदा है, ऐसी बातें ना करो। बस हुसैन मक्तल में गए और मक्तल
आने के बाद से जाते हैं। एक मरतबा अरे फौजी असदिया सिमट आई, कब सिमट करके आई, जब इमाम हुसैन ने तलवार को न्याम में रखा। अब जैसे ही तलवार को न्याम में रखा, भागी हुई फौज सिमट गई, घेरा तंग हो गया। अब जो घेरा तंग हुआ, चारों तरफ से फरजंद रसूल को घेर लिया। अब जो फरजंद रसूल को घेरा, तो अब क्या जुल्म किया है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई नैजा मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है। मेरा इमाम जख्मी, कभी दाहिनी तरफ कभी बाई तरफ, कहीं सीने में तीर, कभी पुष्प पर तीर, कभी बाजू पर तीर। एक मरतबा फातिमा का लाल जो घोड़े से जमीन पर आया, इमाम जमाना सलाम कहते हैं, सलाम हो मेरा जद्दे मजलूम पर, जिसका जनाजा ना तो दीन पर था ना तो जमीन पर था, तेरों पर मुल्ला तीरों पर मुल्ला था। बस अभी जाने मोहतरम, एक मरतबा शिमरा आगे बढ़ा और हुसैन के सीने पर सवार था। हुसैन के सरोतन में जुदाई की नहरे फरात का पानी उठा, जमीने करबला को जलजला लगा। बस अभी जाने मोहतरम, जनाबे जनाब सैयद सज्जाद के पास गई। हे बेटा सैयद सज्जाद, मैं क्या देख रही हूँ, अरे करबला में कयामत बरपा हो गई। एक मरतबा सैयद सज्जाद ने फरमाया, हे फूफी अम्मा, अरे दर खैमा का पर्दा हटाइए। अब जो दर खैमा का पर्दा हटाया, खुदा न करे अरे कोई जवान इस तरीके का कोई मंजर देखे। पर जवान बेटे ने क्या देखा, बाबा का सर नौके नेते पर है, आवाज थी अस्सलाम वालेकुम या बाबा, सलाम हो तुम पर ऐ मेरे बाबा, अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। बस अभी जाने मोहतरम, हुसैन शहीद हो गए, खैमों में आग लग गई। बस जिस आदमी पामाल हो चुका, सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ियां, ज़ैनब बेरिदा हो गई। लेकिन अजीजा ने मोहतरम, जब हुसैन की शहादत के बाद एक मरतबा यतीम किसे कहते हैं, अब सुनिए, बेटी की जबानी, सकीना की जबानी, 3 साल बच्ची की जबानी, बस मजलिस खत्म हो गई। यतीम किसे कहते हैं, तसव्वुर शर्त है। बस अजीजा ने मोहतरम, जिंदगी भर रोइएगा, मैं कहूंगा आपका बाप दुनिया से चला गया है, आप यतीम हो गए हैं, लेकिन सकीना से ज्यादा यतीम नहीं है। बस अजीजा ने मोहतरम, एक मरतबा खैमे में आग लग गई, सकीना के पुर्जे में आग लगी, पुर्जे छीन लिए गए। बस एक मरतबा दौड़ करके बाबा के लाल से निपट गई, आवाज दी, हे बाबा, परेशान हाल उन सब की परेशानियों को दूर कर, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे वालदैन के गुनाहों को बख्श दे, उनको दीवार इमा में जगह मरहमत उनके गुनाह खाने का विदा वगैरह को बख्श दे, उनको जो है वो परवरदिगार आलम शुदाए आला इल्लियीन में जगह मरहमत, उनके कुर्बानों को सब जमील इनायत फरमा। اللهم صل على محمد وآل محمد